10th के हैं, जो क्लास 12th के हैं, जिन्होंने सीबीएसई से एग्जाम दिया है, उन सबके लिए एक राहत भरी खबर आई है। प्रेस रिलीज सीबीएसई की तरफ से इश्यू की गई है 11 तारीख को, और इसमें जो है रिजल्ट के डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग बता रखा। तो मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ एएससी स्टार्टर में। वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक करें। स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए आपका जो रिजल्ट है ना वो थोड़े ही दिनों में आने वाला है, कमिंग सून, और आप जो है अपना रिजल्ट जो है वो डिजी लॉकर में आराम से देख पाएंगे। और डिजी लॉकर में भी आप देखेंगे हेडिंग आ रही होगी कमिंग सून, और जब भी डिजी लॉकर में कमिंग सून या इस तरीके की पैरालिसिस आती है तो इसका मतलब समझ लो कि आपका रिजल्ट जो है वो 13 से लेकर 15 तारीख के बीच में ही आ सकता है, पहले भी आ सकता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि आप जब अपना रिजल्ट देखेंगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लो, आप अपना जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको ऑफिशियल साइट पर जाना, कहीं बच्चे दूसरे साइट पर जाकर जो बच्चों को ट्रैप करते हैं ना तो उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, आपको उन चीज़ों से बचना है। ठीक है, इसलिए आप ऑफिशियल साइट पर ही जाकर जो है चेक कीजिएगा रिजल्ट को। ठीक है, बाकी जैसे रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फिलहाल यही प्रेस रिलीज में दिया कि कमिंग सून, थोड़े दिनों में आने वाला रिजल्ट है, ये एक दो दिन में, ये 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।